अब मुझे जाके उसको बताना पड़ेगा कि बॉस ऐसा तो नहीं चलेगा, रमजान के बीच में उसको गोवा जाने का। माय दुपट्टा इज गोइंग थ्रू डॉट। गुड मॉर्निंग यू गाइस, पहला रोजा है और मेरी बॉडी इतनी कंफ्यूज है कि ये लड़की अभी तो सोई थी तो अभी सडनली उठ के दांत क्यों ब्रश कर रही है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्लीप, आई थॉट कि मैं सहरी तक जगी रहूंगी एंड डायरेक्टली आई विल डू माय सहरी एंड देन गो बैक टू स्लीप, लाइक गो टू स्लीप फॉर द फर्स्ट टाइम। बट दैट डिड नॉट टर्न आउट लाइक दैट बिकॉज मेरी आंख लग गई। 2:30 के आसपास इज माय यूजुअल टाइम टू गो टू स्लीप एंड दैट टाइम आई वाज सो टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, बट मैं अपना नाइट लैम्प चालू रख के सोई थी ताकि मैं इतनी गहरी नींद में ना जाऊँ। तो 4 बजे मेरा अलार्म बजे एंड आई वोक अप, आई ब्रश्ड माय टीथ ऑन ऑटो पायलट मोड, डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। द ओनली बबर इज कि मुझे अभी सहरी के लिए मेरे नीचे वाले घर में जाना पड़ेगा, एक तो मैं इतनी नींद में हूँ और अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आई डेफिनेटली नीड अ बेटर प्लान ऑफ एक्शन फॉर दिस, और मुझे या तो सहरी तक नीचे ही रहना पड़ेगा या ऐसा कुछ, तो यू नो आई हैव टू फिगर समथिंग अबाउट दिस हाउसिंग सिचुएशन दैट आई हैव। तो नींद में मैं अपना रेगुलर इंट्रो देना भूल ही गई। दिस इज हसल विद सार, वेयर यू एंड आई वी हसल टुगेदर, बट ये रमजान है तो दिस इज रमजान विद सार एंड दिस इज आवर फर्स्ट रोजा एंड अभी हम जा रहे हैं मॉम डैड के घर पे नीचे ताकि हम सहरी कर सके। इट इज 4:30 AM करंटली, यस इट इज 4:30 AM एंड 5:18 तक खाने का टाइम है, मतलब 5:18 तक वी कैन ईट वॉट एवर वी वॉन्ट, मतलब नाश्ता कर सकते हैं बेसिकली। और इस बार मैंने ना डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या एग्जैक्टली खाना है सहरी में, मैंने मम्मी को कुछ बताया भी नहीं है, तभी देखते हैं मम्मी ने क्या तैयारी की है। तो लेट्स गो नीचे, कम ऑन फज्जू लेगो। ये सोचेगा कि क्या पागल लड़की, अब भी तो उठी थी, अब भी मैं ड्राइव पे से आई, अभी मैं उसको लेके गई, लेके आई ऊपर, वापस नीचे आ गई 2 घंटे में। मम्मी मेरा दूध ले लो। क्या बनाई तुम मेरे लिए? केला बनाना था, अंडा बॉयल करना। अंडा बॉयल केला मेरे को म्यूसली और ये भी दे दो, उससे भूख नहीं लगेगी। पानी टेबल पे टू सुबह सुबह नाली नहीं आ रही, कैसे खा सकते? नाली नहीं आ रही। ओके सो माय सहरी इज घी वाली रोटी विद केला, म्यूसली एंड आमंड मिल्क एंड वाटर, और भी कुछ बनाई थी ना, अंडा, बॉइल्ड अंडा, वो आ रहा है। झपकीली ना तो मैं अभी उठी तो मैं इतनी डिसओरिएंटेड थी कि क्यों उठी, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो फर्स्ट डे होता है, मैं लैंप चालू रख के पंखा बंद करके सोई थी ताकि मैं उठ पाऊँ, मैं कोजी हो जाती ना तो मैं उठ ही नहीं पाती। बिकॉज ऐसा फुल नाइट नहीं सोई थी तो अभी मैं सोऊंगी ना, फिर भी वो कॉम्पेंसेट नहीं होता। मेन इज पानी, यू गाइस पानी बहुत पीना होता है। एटलीस्ट मैं कितना पीती हूँ यूजुअली, मैं 2 लीटर ना, 2 लीटर इज माई गोल, क्योंकि भूख इतनी लगती नहीं, प्यास ही लगती है। तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, इट्स वेरी हॉट। मैं सहरी में से निकाल निकाल के खाना मेरी माँ मेरे फज को खिलाती है। इसकी सहरी भी है, इफ्तार भी है, बीच का रोजा भी है, सब उसका ही है। मेरा खाना खा गया वो कर। उसको घी वाली रोटी मिलती है, मेरे अंडे का येलो मिलता है, बेसिकली ओनली द टेस्टी बिट्स ऑफ लाइफ एंड आई हैव टू ईट द वाइट फज। सी एनीथिंग यू वांट वाइट आल्सो, ही इज ईटिंग वाइट आल्सो, सब खाता है। अ फ्यू आवर्स लेटर, it is currently 1:55, I woke up at 11:30 I woke up and uske baad I had a bath, everything I changed and I had an outfit from scratch in the making for the red carpet event that I have to attend, but
it's not going as planned. The outfit from scratch, most likely I will have to ditch. In my mind, so I've ditched only and I'm going to go buy something from Zara in the evening and just wear that. Because it was a western outfit and it wasn't made like I should make it. Like, in my mind, the fit has not come through. I don't know if it's salvageable and if I will manage to wear it. I still don't know. Azhar, my tailor, has gone back. He had come for a trial, so he's gone back. That happened in the morning. And I have pen liya. This you have Chandrat wale हॉल में देखा होगा. और नीचे मैंने इसके मेरी व्हाइट लखनऊी पैंट्स पहनी थी और फिर मैं बस वजू करने के लिए गई उधर एंड इसका कलर ब्लीड होता है तो मेरी व्हाइट पैंट्स पे लग गया. तो अब मुझे जाके उसको बताना पड़ेगा कि बॉस ऐसा तो नहीं चलेगा बिकॉज मेरी व्हाइट पैंट्स खराब हो गई इसकी वजह से. आई डोंट नो इफ दे एक्सचेंज इट व्हाट विल हैपन. बट एनीवेज अब मुझे जोहर के लिए लेट हो रहा है तो आई एम गोइंग टू प्रे जोहर एंड आई एम गोइंग टू प्रे सम कुरान एंड देन आई विल आई हैव लॉट ऑफ वर्क सो आई विल फिगर दैट आउट. लेट्स गो. Super exciting slash important announcement to make from Impulse Coffees. Ramzan mein we all do charity and we all become a part of something bigger and I had this in mind since a very long time ki mujhe karna hi hai. So I was looking out for organizations to collaborate with taki kuch percentage of our proceeds from Impulse Coffees, our profits will proceed to them so it will help for a bigger cause. We are a small company, itni badi company hai nahi, itne kuch matlab big level pe difference nahi ho sakta hai, but I feel like every small step matters, every small charity or donation you do matters. We say it begins at home, but it's always good to, you know, step out and beyond and do something for others also. So that is the reason why Impulse Coffees is collaborating with Ashray NGO for the month of Ramzan. So from 3rd April to 3rd May, jitne bhi hamare sales honge, uske 10% of our sales will be proceeding to Ashray NGO. It will be like sort of a charity from our end, but also a great way for y'all ke if you can't really go ahead and do a separate donation or a separate charity, then shopping on Impulse Coffees will allow you to help a soul, because with every jar of purchase you make at Impulse Coffees, you will be making a difference, and I am making sure of that. So I'm very excited for this to happen. I did my thorough research when it came to the organization that we are partnering with, because kafi time se mere dimag pe tha, isliye jo bhi new launches bhi hai maine push kar diya taki ye pura Ramzan ke mahine mein I can do justice to this one movement that we are having, and we are collaborating with a good organization jo actually genuinely acha kaam kar rahe hai, because they have a spectrum of things that they are helping with. Ashray basically means shelter, hope, and they are giving it to a variety of this. There's women empowerment, child labor, dogs, stray dogs, and a lot of different movements, Feeding India, everything that is incorporated by them. So jahan pe bhi unko tabhi help chahiye hogi wahan pe wo percentage of the donation will be used, and they are actually going to provide us with photos, videos, everything. I myself am going to be part of many of the drives myself, so I felt like they were the best organization to partner with because I get to be a part of it so first hand in all of this. So yeah, I'm very excited for the month of Ramzan. One of the major reasons for my excitement was this, because company start karna to tha mera dream, but from a company perspective, doing all this, it allows you to do it on a bigger scale. You know, this is what I keep saying, by allowing me to create an impact on a larger scale. And I'm excited to share this news with y'all as my Sara squad. So, agar tumko impulse khareedna hai, ya if you want to refill on any of your jars, so the month of Ramzan will be perfect. Agar roza rakhte ho, to shayad hi tum coffee pee paoge Ramzan mein, because I have not had coffee in Sehri, and again, I won't have an iftari. But you will have your refill for the next month and the next month. Hamari coffee is best before 24 months, so expire to hone se rahi. So if you want to stock up and make a difference, now is the time. मैं तुमको एक सेंटर अलाइन वाला बैनर भेज रही हूँ. अभी डिजाइनर ने सेंटर अलाइन वाला बैनर भेजा है क्योंकि वो सेंटर अलाइन नहीं है करंटली. वो क्योंकि देखो पहले जो अभी जो बनाया था ना, हाँ जी, बनाया था आपके जो शॉपिफाई के जो डिलीवरी शॉप. की वेबसाइट बैनर अभी ताकि वेबसाइट पे भी लोगों को समझे कि हाँ ये हो रहा है, इज व्हाट साहिल माय वेबसाइट डेवलपर इज वर्किंग ऑन एंड माय ग्राफिक डिजाइनर इज वर्किंग ऑन. सो उसमें काफी टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं. मेरी एडिटर ने जानवी वाला जो आज कोलैब जाने वाला है, जानवी और मेरा, दैट ऑल्सो शी सेंट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड दैट वीडियो फ्रॉम गूगल ड्राइव. एंड आकांक्षा स्पेसिफिक भी गोवा चले रमजान के बीच में, गोवा जाने का
एंड इट्स ऑलरेडी 5:30, तो मैं असर की नमाज पढ़ूंगी तब तक वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं एडिट करके वो अपलोड कर दूंगी. एडिटर एडिट करते हो उसके बाद मैं एक और एडिट मार देती हूँ ताकि यू नो आई क्रिस्प अप द वीडियो. गो I'll see you after Asar. I actually also filmed a shots of getting ready for today first roza. I'm feeling very cute. After Asar ki namaz mein sara videos edit upload karke fir seedha I will go down for iftar because Ishu and Sabrina have also come. Weather is not that hot in Bombay. It's like I'm sitting without a fan because agar main fan on karungi to tumko disturbance aayega. Such a nice thing that happened. मेरी सबसे पहले रोजे की दुआ ही कबूल हो गई. So yesterday night I was with Purnima. We were literally looking for apartments on square yards and house hunting in all of my areas. क्योंकि मेरी बिल्डिंग में मेरे कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल भी कोई भी रेंट पे अपार्टमेंट्स नहीं है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं. ये घर के साथ आई ऑनेस्टली गॉट लकी बिकॉज ये जो बिल्डिंग है इसका बिल्डर कंडीशन घर बहुत खराब होता है और ये घर अच्छा माशाल्लाह से बना हुआ था एंड इट लिटरली जस्ट फेल इन माई हैंड्स. एंड इवन दो ये घर का टर्म वॉज लेस लाइक ही वॉज ओनली द लैंडलॉर्ड वॉज ओनली गिविंग मी फॉर 11 मंथ्स, आई स्टिल टुक इट बिकॉज ऑफ हाउ ब्यूटिफुल दिस हाउस वॉज. लाइक कैन यू सी द लाइट दैट इज कमिंग थ्रू वेन यू एंटर दिस हाउस इन द इवनिंग टाइम, एनी टाइम ऑफ द डे यू जस्ट फील गुड वाइब्स एंड दैट फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मुझे वो घर में घुसते के साथ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये घर में रहना है. तो ये घर में माशाल्लाह मुझे वो फर्स्ट डे से आया एंड वी मेड इट सो वेल एंड एवरीथिंग, बट द टाइम वॉज कमिंग अप लाइक मे में माई कॉन्ट्रैक्ट गेट्स ओवर एंड आई हैव टू लुक फॉर अ न्यू हाउस. सो इट्स अप्रैल सो वी वर हाउस हंटिंग. मॉम हैज एक्टिवली बीन कॉन्टैक्टिंग ऑल द एजेंट्स, मैंने इतने एजेंट्स को कॉन्टैक्ट किया बट इट्स नॉट ईजी टू फाइंड अ स्पेशियस हाउस इन बॉम्बे, वो भी 2 BHK, वो भी बजट में, वो एवरीथिंग प्लस द एरिया दैट आई वॉन्ट, बिकॉज इफ नॉट इन द सेम बिल्डिंग एज माई पेरेंट्स आई स्टिल वॉन्ट टू बी क्लोज टू माई पेरेंट्स, आई कांट गो फार अवे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू से गुड बाय टू दिस बिल्डिंग एनी वे फॉर मी. But the one good thing that happened is क्योंकि मैं इतनी stress थी सारे house hunting वगैरह के साथ, I just followed up with my landlord and he was like you can extend for another 6 months. So I have another 6 months extension. तो ये मेरी एक दुआ कबूल हो गई. We don't have the house for like the next year, but December तक देना है. तो अभी भी I will continue my house hunt, but इतना pressure नहीं होगा कि एक महीने में खाली करना है. We still have 6 months, so we have a good enough time to find a new place. Inshallah कोई और घर खाली हो जाए इतने time में. जैसा ये घर मिला वैसे ही अच्छा घर मिल जाए. मेरा मतलब ऑफिस स्पेस एंड होम स्पेस एवरीथिंग इज दिस ओनली. लाइक मैंने ये घर में इतने मेमोरीज बनाए, इतना काम किया है, अपना ब्रांड स्टार्ट किया, एवरीथिंग. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से अ बाय टू दिस हाउस. आई नो इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी गुड बाय. लाइक यस्टरडे आफ्टर द हाउस हंट 11:30-12 बजे मैं और पूर्णिमा ऐसी मतलब ड्राइव कर रहे थे और सारी बिल्डिंग्स देख रहे थे कि इसमें मिला तो अच्छा, इसमें मिला तो नहीं अच्छा, इसकी गली अच्छी नहीं है, इसकी पार्किंग अच्छी नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है, हम लोग वो सब कर रहे थे. और फिर जब मैं वापस अपने कॉम्प्लेक्स में चला के ना गाड़ी, तभी आई वॉज लाइक शिट मैं ये बिल्डिंग में नहीं आऊंगी तो मुझे कैसा लगेगा. Because वैसे तो ये बिल्डिंग में आई स्टेड फॉर लाइक 6-7 years ना. सो ओके वी विल नॉट बी सैड बिकॉज वी विल लुक एट द हैप्पी हैप्पी साइड. जो भी आज बुरा बुरा हुआ, मेरा कपड़ा खराब हुआ, वो ठीक है. जो हमारे को घर का एक्सटेंशन मिल गया वो अच्छी बात है. अब मैं वीडियो एडिट करने जा रही हूँ. जानवी तेरा हो गया है वीडियो एडिट करके? बस एक्सपोर्ट हो गया है, 80% हो गया है, मैं बस अपलोड पे लगा रही हूँ. अच्छा ठीक है. मैं 8 के लिए ट्राई करूँ. मैं अभी रोजा खोलने जा रही हूँ. मेरा भी मतलब मैं उसको खाली रिव्यू कर रही थी एडिटर का, तो अभी 20 मिनट का फुटेज मुझे अभी भी देखना बचा है. 9:00 रख, चलेगा आराम से. मैं रोजा खोलने जा रही हूँ. मैं रोजा खोल के ऊपर आके देन आई टेक एन अपडेट फ्रॉम यू. तू आराम से कर. यू आर माय कैमरा पीछे मुझ में के दो मैं बच्चा दो मैं बच्ची दो. यू आर माय कैमरा अबू ग्लू पीछे व्हील्स आर थे बस को What is it? What is this? Okay, I'll remove for you. Baba, first drink, first. See, you do, like first. Yeah, what first? First scratching, full time. Good boy. Goodbye. You don't need him, dude. Nice. Who's new book? So many books you got. Mama. Show. What is this issue? Jacket. Hot air balloon. Which going up and up and up and up. Hey, what is this? See, जरा फेस कर दिया था ना, नमक बराबर है क्या? ये ऐसे आया क्या समोसा? Okay.
My dupatta is going through dirt. What are you making, mummy? I can smell the delicious, the delicious, the delicious. I've just made bhajiyan at fingers. Tu bahar se hai bhab ki ka? Shayad. Bhajiya is like a must. Dadi ka favorite. Favorite. Ah. Dadi to har Ramzan ki iftari mein bhajiya bane ki. Wo mummy ne bana to khud bhajiya bana raha tha. घर पे यस थैंक यू तुमको नहीं बोली मम्मी को भेजी स्क्रीन शॉट गो ओपन माई हाउस एंड सिट देयर गो नो कीज बट यू ओपन ओपन डोर डोर Open the cupboard, get cupboard. Master Chef Chodu. मुमकिन नकीर के सवाल हम पर आसान कर दो अल्लाह कयामत के रोज अपना दीदार नसीब कर दो का गुलाम बना दो आमीन सुब्हा आमीन इशारे से आ गया व्हाट्स द टाइम इट इज 6:53:55 चाचा को बोले ना पैसे रुक करने आई थिंक हमारा तो हो गया है तो हमको खोल देना चाहिए हां कुछ खजूर दो इधर लो खजूर बाद सीधा आई स्टार्ट टू एडिट द वीडियो विद जानवी द कोलैब वीडियो व्हिच इज सपोज्ड टू गो लाइव बट उसके वीडियो में थोड़े चेंजेस है एंड शी इज आउट राइट नाउ सो शी इज आल्सो इन मुंबई बट शी वोंट बी एबल टू मेक द चेंजेस सो वी हैव डिसाइडेड टू पोस्ट टुमारो सो ऑन मंडे आई विल आस्क हर इफ शी वांट्स टू डू इट ऑन ट्यूजडे सिंस ट्यूजडे इज माय अपलोड डेट एंड आई एम जस्ट हैविंग माय मेडिसिंस सो आई एम फिनिशिंग दैट कोर्स दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग यू गाइस आज का पहला रोजा खत्म हुआ एंड इफ्तार बाद थोड़ी थकान हो जाती है इट्स 10:20 और मुझे सोने का बहुत मन कर रहा है इसलिए आई एम गोइंग टू स्लीप वैसे मैं डिनर वगैरह कुछ करती नहीं हूँ आफ्टर इफ्तार बट आई थॉट आई वुड गेट सम वर्क डन नॉट हैपनिंग आई थॉट आई वुड बी अवेक टिल सहरी एंड देन स्लीप टिल जोहर यू नो दैट वॉज माई प्लान ऑफ एक्शन बट नहीं बहुत थकान हो जाती है सोना ही बेस्ट है 10:20 हो रहा है बाय 10:30 आई विल स्लीप सो देन आई कैन इजीली गेट अप बाय 4 दैट इज इट आई जस्ट वांट टू व्लॉग माय फर्स्ट रोजा कल एक्चुअली मुझे मैं व्लॉग करने वाली हूँ बट कल तो कुछ और ही एक्साइटिंग होने वाला है ये वीक एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज दिस इज इवेंट टू अटेंड एंड अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर फ्लाइंग डाउन फॉर इट एंड आई एम गोना गेट टू मीट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आई एम एक्साइटेड फॉर दैट सो आई विल सी यू इन अ फ्रेश न्यू वीडियो तभी इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो सारस्कोर शाउट आउट गोस टू जानवी अहिलानी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and supporting my channel if you want to be a part of next video Sara's coach or you know what to do hit that subscribe button bell icon right next to it and also leave a comment down below saying hashtag Sara's squad and you can chance to be a part of my next video Sara's squad shout out atami zhopnar I will see you in the next one bye love you